नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को आजमगढ़ के अतरौलिया में रैली की है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि घर में निकालने वालों की 6 चरणों में जनता ने भाप निकाल दी है। 7वें चरण में 7 समंदर पार भेजेगी, जहां इनके मित्र गए हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग हमें परिवारवादी कहते हैं, हम और आप सब परिवार वाले हैं। हम लोग जब कभी भी घर लौटते हैं तो कुछ ना कुछ सामान लेकर जरूर आते हैं। योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि हम अपने बाबा मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि जब आप 11 मार्च को गोरखपुर वापस जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते हुए जाना। भाजपा के जितने बड़े नेता उतने बड़े झूठ हैं, जितने छोटे नेता वो उतने ही छोटे झूठ हैं। आजमगढ़ में हर बार धुआंधार वोट पड़ता है और इस बार आजमगढ़ की जनता ऐसा वोट करे कि धुआं उड़ाने वाले धुआं धुआं हो जाए। आजमगढ़ जाने से पहले अखिलेश ने काशी के कोतवाल बाबा कालभैरव और महामृत्युंजय महादेव से पूर्वांचल विक्ट्री का आशीर्वाद मांगा है। बाबा कालभैरव मंदिर में दर्शन के बाद अखिलेश महामृत्युंजय महादेव मंदिर भी गए और स्वयंभू शिवलिंग पर मत्था टेका। इस मंदिर के महंत कामेश्वर उर्फ किशन दीक्षित शहर दक्षिणी विधानसभा से सपा के प्रत्याशी हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर इसी सीट में आता है। अखिलेश जब दर्शन करने के लिए आए तो मंदिर परिसर की सकड़ी गलियों में भक्तों के साथ ही सपा कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम उमड़ा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरी आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।